नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क की प्रीवियस ईयर पेपर्स की, जिसके अंदर मैथमेटिक्स के दो पार्ट में करा चुका हूं, जिसमें सिंपलीफिकेशन डीआई नंबर सीरीज अपन लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस बार जो पार्टीशन है वो है अर्थमेटिक का, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक आते हैं जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, एवरेज, एजेस, बाकी जितने भी टॉपिक्स होते हैं अर्थमेटिक के 10-12 टॉपिक होते हैं, सारे के सारे इसके अंदर कवर होते हैं। तो 15 मार्क्स के लगभग का ये टॉपिक होता है। तो इसमें जितने 2016 में मेमोरी बेस्ड पेपर का जो क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारी अपडेट्स मिलती रहें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को आप लोग दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग पा सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। इसके अलावा जो हमारा फेसबुक पेज और ग्रुप है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, उसको आप लोग जाके लाइक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको स्टडी मटेरियल वगैरह की सारी अपडेट्स वहाँ से। इसके अलावा दोस्तों एक न्यूज़ और है, उसके बाद हम पेपर स्टार्ट करेंगे। बैंकर्स पॉइंट ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू किया हुआ है, जिस पर अभी भी 1000 बच्चों के आसपास स्टूडेंट्स हमारे पढ़ रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का आप लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं, घर बैठे ही आप लोग कोचिंग कर सकते हैं कोई भी बैंक एग्ज़ाम या एसएससी एग्ज़ाम्स की। तो ऊपर दिए गए नंबर और नीचे दी गई वेबसाइट के ऊपर आप लोग विजिट कर सकते हैं, या फिर मोबाइल के ऊपर हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी हमने हाल ही में लॉन्च किया है, तो बैंकर्स पॉइंट नाम से उसको भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। वीडियोज़ को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, वहाँ पर जो प्रीमियम वीडियोज़ हैं सारे टॉपिक्स के, सब टॉपिक वाइज एकदम पूरे डिटेल के अंदर यहाँ पर सिलेबस आप लोगों को कवर करवाया जाता है। पहला क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, मिक्सचर और एलिगेशन टॉपिक में से ये पहला क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू ए 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3 सच दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज़ 40% वाटर इन इट। तो देखिएगा यहाँ पे 7:3 के अंदर क्या है, मिल्क और वाटर टोटल मिला के आपका कितना है, 10:10 हो गया। लेकिन अब टोटल यहाँ पे कितना दिया गया है, 30 लीटर दिया गया है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि जो पुराना जो मिक्सचर है उसमें 21 लीटर मिल्क हो गया, 9 लीटर वाटर हो गया, और 30 लीटर यहाँ पे क्या हो गया, टोटल मिक्सचर हो गया। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इस मिक्सचर के अंदर कितना पानी मिलाया जाए, यानी कितना वाटर मिलाया जाए कि 40% यहाँ पे वाटर हो जाए। तो नया जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, नया रेशियो आएगा जिसमें मिल्क होना चाहिए 60% और 40% होना चाहिए वाटर, काट दीजिए आप लोग तो यहाँ से आ जाएगा 3:2। अब मेरे को एक बात बताइए, पुराने वाले मिक्सचर के अंदर हमने पानी ही और मिलाया था, यानी मिल्क तो उतना ही रहना चाहिए, ठीक है, मिल्क तो उतना ही रहना चाहिए, यानी ये 3 क्या होना चाहिए, 3 ना हो कि कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए, यानी 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर वाला भी 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा। तो पहले जो वाटर 9 लीटर था, अब वाटर 14 लीटर है, तो मिला के कितना एक्स्ट्रा मिलाया गया था, 5 लीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझिएगा अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डिटेल में भी कुछ वीडियो यूट्यूब्स पर हैं, बाकी ऑनलाइन कोचिंग्स के अंदर, तो वहाँ से आप लोग कंसीडर कर सकते हैं सारी चीज़ों को। बाकी यहाँ पे मैं आप लोगों को एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, और वो कौन कौन से टॉपिक वहाँ पे मेनली वहाँ पे चॉइस करता है। अब देखिएगा यहाँ पे बोला गया, द एसआई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ एट रेट ऑफ 7.5% पर एनम एक्सीड द एसआई ऑन द सेम सम एट 12.5% पर एनम फॉर 8 मंथ बाई ₹3,250 फाइंड द सम। यानी कि एक रुपया ऐसा था, एक राशि ऐसी थी जिसको, देखो एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मैं सिर्फ इंग्लिश के अंदर अरेंज कर पाया हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन आए हुए, हम पेपर नहीं करवा पा रहे थे। बाकी जो हमारा जो मटेरियल होता है चैनल के ऊपर और बाकी ऑनलाइन क्लास में, वो हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर होता है, तो मैं बाकी हिंदी में आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ कि 15 महीने के अंदर 7.5% की दर से जो साधारण ब्याज है ना किसी राशि के ऊपर, वो 12.5% पर एनम 8 मंथ के लिए उसी राशि के ऊपर ₹3,250 ज़्यादा है। तो देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ तो आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी चीज़ लिखो। देखो एक्स मान लो उस राशि को, 15 महीने को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर दिया, 7.5% की दर लगा रहा है, इस पर तो ये ब्याज हो गया, माइनस एक्स राशि के ऊपर ही 8 महीने के लिए 12.5% की दर से जो ब्याज था उससे ये वाला ब्याज कितना ज़्यादा है, ₹3,250 ज़्यादा, यही बोल रहा है
इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए, इजीली सोल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। जैसे 3 से काट दो, 3 और 5 15, ठीक है, और यहाँ पे 3 चौक 12, ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट हटा के नीचे 1000 कर सकते हो आप। फिर 25 से काट दो, 25 75, 25 चौक 100, ये हो जाएगा 5 8 40। तो ये आपका आ जाएगा 3x/32 माइनस, इसी तरीके से इसको भी काट दीजिए, ठीक है। 12.5 का सीधा 100 में भाग दोगे तो 8 आएगा, सबको पता है, क्योंकि 2×25 होता है, तो 8 से 8 कट जाएगा। तो ये आएगा आपका x/12, यहाँ से आ गया 3250। अब एलसीएम वगैरह ले लो आप लोग, एलसीएम आएगा यहाँ से 96, तो यहाँ से बच जाएगा 9x-8x=3250। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 3250×96, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करना। अब देखो पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये लगभग 100 के बराबर है ना, तो ये 3 लाख के आसपास ही कुछ आंसर आ सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ई ही होगा, बाकी कोई भी आंसर आ ही नहीं सकता। देखो 1,60,000 तो वैसे ही नहीं आ सकता, पता है 3200 को आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हो, 20,000 तो वैसे ही नहीं आ सकता, 1,70,000 भी नहीं आ सकता, 18,000 भी नहीं आ सकता, ऑप्शन ही बचता है, 3,12,000 आंसर आएगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक आइडिया लग रहा है कि 3 लाख के नज़दीक आंसर आएगा, क्योंकि 96 को 100 मान सकते हो आप एक बार एक आइडिया लेने के लिए, और ऑप्शन पूरे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ऑप्शन के अंदर, तो पूरा कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे टाइम एंड वर्क में से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ बोल रहे हैं 4 men and 3 women फिनिश ए जॉब इन 6 days एंड 5 men and 7 women कैन डू द सेम जॉब इन 4 days। तो यहाँ पे देखो टोटल वर्क जो होता है ना उसको बराबर कर लीजिए, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, देखो 4 men + 3 women काम कितने दिन के लिए कर रहे हैं, 6 दिन के लिए, तो ये तो इनका टोटल वर्क हो गया। इधर वही सेम काम, टोटल वर्क तो हमेशा बराबर होता है, 5 men और 7 women मिलके 4 दिन में कर रहे हैं, तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद में क्या पूछा गया उसके बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। 24 men + 8 women 20 men + 28 women, अब इसको सोल्व कर लो, देखो 20 को इधर ले जाएंगे तो 4 men = इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो देखो 10 women काट दीजिए, 2 men 5 women, तो आप लोग मेन वटा वुमेन निकाल लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 5/2, यानी कि इनकी जो एफिशिएंसी एक तरीके से आ गई मेन की 5 वुमेन की 2, ठीक है, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो क्या करना है आप लोगों को, टोटल वर्क निकाल लो सबसे पहले, टोटल वर्क क्या होगा ये वाला, या तो इसमें वैल्यू रख दो इधर वाले में, या इधर वाले में रख दो, एक ही चीज़ आएगी 5 और 2, तो देखो 4m, तो देखो 5 रखेंगे एम की जगह तो 20, और वुमन की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे यहाँ से, तो 6+6 और × 6, ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, 26×6 निकाल लीजिए यहाँ पे, 120+36 156 आ जाएगा यहाँ से, टोटल वर्क 156 हो गया। अब बोल रहा है 1 men और 1 woman, 1 men और 1 woman मिलके कितने दिन में करेंगे, तो भाई 1 men और 1 woman एक दिन में कितना करेंगे, 5+2 7 काम करेंगे, तो 156 काम को करने में कितना टाइम लग जाएगा, 7 × 2 = 14, ठीक है, फिर से 1 बच जाएगा, 7 × 2 = 14, 22 सही 2/7 days आंसर आ जाएगा आपका ए, ठीक है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं टाइम एंड वर्क में, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसको मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, A&B स्टार्टेड ए बिजनेस विद ए इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 5:7, यानी कि 5:7 के अंदर उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। इफ आफ्टर 1 ईयर दियर प्रॉफिट वर इन द रेशियो ऑफ 1:2, तो लास्ट में जाके कितना प्रॉफिट हो गया, 1:2 में प्रॉफिट होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा गया है कि यदि 1 साल के एंड में बोला गया, यदि पीरियड ऑफ ए इन्वेस्टमेंट वाज 7 मंथ, तो दो ए का जो इन्वेस्टमेंट का पीरियड था वो कितना था, 7 मंथ, यानी इससे तो ए से मल्टीप्लाई होता है, रेशियो निकालने के लिए टाइम और इन्वेस्टमेंट दोनों मल्टीप्लाई होता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। अब देखो बी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा हमें नहीं पता, तो एक्स मान लीजिए इसको, तो ये आपका आ जाएगा 35:7, एक तरीके से यही तो आ गया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, ये रेशियो जो आया है इसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, ये जो रेशियो आया है इसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, लेकिन ये रेशियो तो 1:1 दे रखा है, यानी कि इस 1 को 35 होने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 35,
और ये दो भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35। तो इसका मतलब हो गया 7x 35 मल्टीप्लाई बाई 2 70 के बराबर हो गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई 10, यानी कि 10 मंथ्स। ये शॉर्टकट ट्रिक है, छोटी छोटी चीज़ों से आंसर आ जाते हैं, ज़्यादा आप लोगों को डिटेलिंग में जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आ जाइए, एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मैन इन वार। अब देखो, मान लीजिए 100 आर्मी मैन थे, 10% वार में मतलब लॉस हो गया, शहीद हो गए, तो 90 बच गए। 90 में से फिर 10% और डिजीज मतलब बीमारियों से ग्रसित होके उनका लॉसेस हो गए, तो यहाँ पे 9 फिर से कम हो जाएंगे। इस वाले के 10% कम होंगे, तो 90 का 10% 9, तो यहाँ आ जाएगा 81। फिर बोल दिया कि बाकी के 10 डिसेबल्ड हैं, यानी कि अभी मतलब काम करने के लिए नहीं है, कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ भी, या फिर वो मिल नहीं रहे हैं, खो गए हैं, तो ये 10% भी किसी तरीके से लॉस हो गया। तो 8.1% फिर से कम हो गया, तो 81 में से 8.1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 72.9, अगर मैं 100 मानता हूँ तो। अब बोलता है 10 द स्ट्रेंथ वॉज रिड्यूस्ड टू दिस 729,000 एक्टिव मैंस, फाइंड द ओरिजिनल स्ट्रेंथ। अब देखो, इसकी वैल्यू उसने कितनी दी है, 729,000, कितने से मल्टीप्लाई करूँगी भाई ये आ जाए, 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो शुरू वाली स्ट्रेंथ उठी है, फाइंड द ओरिजिनल स्ट्रेंथ, ओरिजिनल स्ट्रेंथ 100 थी, तो इसको भी 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा ये देख लीजिए, 10 लाख आ गया। आंसर इज दिस। ओके, तो इजी सा क्वेश्चन था, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 1 ईयर एंड 4% पर एनम कंपाउंड ईयरली एंड हाफ ईयरली। अब देखो, 5,000 रुपये पे 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल चक्रवृद्धि ब्याज एक ही चीज़ होती है, तो 5,000 के लिए 4% का मतलब क्या होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ, 1/25 होता है, मैंने याद करने के लिए बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिएगा, 5,000 1 साल के लिए, ठीक है, 4% पे, तो 5,000 का 1 साल के लिए तो सिंपली ब्याज 1/25 कर दीजिए आप, ठीक है, ईयरली, तो यहाँ से 200 रुपये आ जाएगा। लेकिन अगर इसको हाफ ईयरली कर देते हैं, तो अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट में किस तरीके से निकालना पड़ा है, हाफ ईयरली कर देते हैं तो रेट तो हो जाएगी आधी, और ईयर हो जाएंगे 1 और 2, तो 2% हो जाएगी, ठीक है। और 2% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/50 लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी 1/50 लिख दिया, तो यहाँ पे हो गया ये 1,000, ये 1,000, एक मिनट 1,000 नहीं, 200, एक मिनट, 100 100 ही तो आएगा, 1 0 ज़्यादा लगा दिया, 100 एंड 100, ठीक है। अब फिर से इसके ऊपर दूसरी साल के लिए लगेगा, यानी 6 6 महीने में बांट दिया ना, 1/50 लगेगा, तो 2 रुपये और लगेगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 202 हो गया। पहले 200 और 202, तो डिफरेंस कितना आ गया आपका, 2 रुपये आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहे थे स्पीड ऑफ जोन एंड मैक्स आर 30 किलोमीटर पर आवर्स एंड 40 किलोमीटर पर आवर्स। इनिशियली मैक्स इज एट ए प्लेस एल एंड जोन इज एट ए प्लेस एम, ठीक है। तो एक प्लेस है एम, एक प्लेस है एल, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, एक प्लेस हो गया आपका एम, एक प्लेस हो गया एल, ठीक है। मैक्स इज एट प्लेस एल, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्स है, ठीक है। जोन इज एट प्लेस एम, यहाँ जोन है, ठीक है। जोन की स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर प्रति ओवर, और मैक्स की स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर प्रति ओवर। अब ये किधर चल रहे हैं ये नहीं पता है अभी हमें ये इसकी, लेकिन स्पीड है 40 की, ठीक है। अब आगे, एल और एम के बीच की जो डिस्टेंस है वो 650 किलोमीटर दी हुई है हमें क्वेश्चन के अंदर ही। जोन स्टार्टेड हिज जर्नी 3 आवर्स अर्लियर देन मैक्स, 3 घंटे पहले चल जाएगा, तो इसको बाद में यूज ले लेंगे, टू मीट ईच अदर, एक दूसरे से मिलने के लिए। इफ दे मीट ईच अदर एट ए प्लेस पी समवेयर बिटवीन एल एंड एम, यानी एल और एम के बीच में कहीं पॉइंट पी है, इसका मतलब चलेंगे तो अपोजिट है, तभी तो बीच में मिलेंगे, नहीं तो आगे कहीं मिलेंगे, तो इसलिए डायरेक्शन पता चल गया कि डायरेक्शन दोनों अपोजिट चल रहे हैं। तो पूछा गया है बिटवीन, देन द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एम इज, तो पी और एम के बीच की डिस्टेंस आप लोगों से यहाँ पे पूछी गई है। अब ध्यान दे लीजिएगा कि दोनों को मिलने के लिए पी पॉइंट पे जोन 3 घंटे पहले ही चल चुका था, यानी कि देखिएगा जोन कितना चल चुका है, जोन ऑलरेडी 90 किलोमीटर चल चुका है, यानी 3 घंटे चला तो 90 किलोमीटर चल चुका है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी है, 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर बची है। अब ये 560 की दूरी
दोनों मिलके तय करेंगे तो दोनों की स्पीड अपोजिट है तो जुड़ जाएगी, तो 40 और 30 70, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जो टाइम 8 ओवर्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में दोनों को 8 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अब पूछा गया है कि दोनों को यहाँ मिलने तक, ये दूरी दोनों ने मिलके यहाँ मिले तो इसके अंदर 8 घंटे और चलेंगे दोनों, तो जोन को 8 घंटे और चला दो आप, 8 या 24, तो ये 240 किलोमीटर और चलेगा, 8 घंटे और चल गया 3 की से, तो 90 पहले चला, 240 बाद में चला, तो 240 प्लस 90 330 किलोमीटर आप लोगों का आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए, द एवरेज वेट ऑफ, देखो इसमें कई बार लोग ऑप्शन चले जाते हैं तो थोड़ी सी गलत चीज़ हो जाती है, तो मैं इसका बताता हूँ आप लोगों को। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इन ए क्लास इज 30 kg। ठीक है, तो बॉयज़ का जो है वो कितना है 30 kg एवरेज वेट, और गर्ल्स का कितना है 20 kg है। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास, यानी पूरी क्लास के बारे में बोल रहा है कि पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो कितना है 23.25 है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रेस्पेक्टिवली इन द सेम क्लास, क्या पॉसिबल स्ट्रेंथ हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, देखो मान लीजिए नंबर ऑफ बॉयज बी था, बी बॉयज का टोटल वजन कितना हो जाएगा, बी गुणा 30 एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया, जी नंबर ऑफ गर्ल्स मान ली और बी से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल गर्ल्स का, और इनका जब एवरेज लेंगे तो बॉयज प्लस गर्ल्स प्लस कर दिया, और ये कितना आना चाहिए 23.25 आना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो देखो यहाँ से ये हो जाके इधर हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 23.25 गर्ल्स से। ठीक है, अब एक तरफ बॉयज़ को कर लो एक तरफ गर्ल्स को कर लो, बॉयज़ को जब इधर लाओगे तो 30 में से 23.25 माइनस होगा तो 6.75 बचेगा, तो 6.75 बॉयज़ इज इक्वल टू, अब जब 20 को इधर से माइनस करोगे तो 3.25 गर्ल्स बचेगा, तो बॉयज़ रेशियो गर्ल्स ही तो पूछा गया आप लोगों से, तो बॉयज़ रेशियो गर्ल्स हो जाएगा 3.25/6.75। अब यहाँ आप लोग 25 से काट दो, ईजिली कट जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 25 एकम 25 और 25 3 75, और यहाँ काट दो 25 दूनी 50, 175 बच गया, तो 25 संती 175, तो 13:27 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। ए प्रॉफिट ऑफ 8% इज मेड बाई सेलिंग ए शर्ट आफ्टर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट इज 1080 यानी 1080 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट प्राइस आप लोगों को फाइंड करनी है। अब देखिएगा 1080 उसकी मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे ही हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो 12% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि कितने में सेल करेगा, 88/100 में, ये सेलिंग प्राइस हो गई। अब सेलिंग प्राइस से आप लोगों को किस पे जाना है, कॉस्ट प्राइस पे जाना है, तो आप लोगों का 8% प्रॉफिट है, तो अपने शॉर्ट ट्रिक से अगर जाएं तो 100/108 कर लीजिए। हो गया यहाँ तक क्लियर हो गया, अगर 100/108 कैसे हुआ, देखो ये तो आ गई सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, मान लीजिए किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीद के लाया और 8% प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो 108 में बेचेगा, नहीं जैसे 100 रुपये में उसकी सीपी थी और 8% प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 108 होगी। अब वो सेलिंग प्राइस कितनी है, 1080/88/100, ये होगी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो एक की कॉस्ट प्राइस 100/108 थी, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए 100 से 108 मल्टीप्लाई, आप तो उल्टा मल्टीप्लाई करना है वैसे, याद रखो। तो यहाँ से देखो ये 10 हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 880 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन 4/5 ऑफ ए नंबर एंड 45% ऑफ द नंबर इज 56, व्हाट इज द 65% ऑफ द नंबर। अब देखो 4/5 को अगर मैं प्रतिशत में बांटता हूँ तो कितना आ जाएगा, 80% ही आएगा ना, 80% आ गया। अब बोल रहा है 4/5 यानी 80% ऑफ ए नंबर एंड 45% ऑफ नंबर, इसका जो डिफरेंस क्या है 56 है, यानी कि ये डिफरेंस कितना आ गया 35% हो गया ना, 35% की वैल्यू आपकी 56 है, तो आपसे पूछा 65% की कितनी होगी, तो 1/56 होगी, तो 65 की होने के लिए 65 से मल्टीप्लाई कर दो, इजीली यहाँ से काट पीट दो सारी चीज़ें आ जाएंगी, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 3 15, 7 8 56, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 104 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाई 25% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 250%। अब देखिएगा, मान लीजिए वो नंबर एक्स था, तो एक्स को डिक्रीज कर दिया 25% ने, यानी 75 हो गया, और इंक्रीज कर दिया डिनोमिनेटर को 250% थे, तो पहले 250 था, अब 250% इंक्रीज हो गया, तो 350 हो जाएगा, इंक्रीज हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये 6/5 हो गई, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालनी है, इजीली निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इसको 25 से काट लो, 25 या 75, ठीक है। अब इसको जब काटोगे तो ये सीधा सीधा ही आपका कट जाएगा, देखो 250, और ये आपका कट जाएगा, देखो 10 बार 25 को मल्टीप्लाई करते 250, फिर 14 बार कट जाएगा, ये 25 एकम 25, 25 चौक 100, 14 बार कट जाएगा सीधा सीधा ही, ठीक है। अब इसको और इजीली ऊपर नहीं, देखो और काट दो यार, इधर से काट दो, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x/y, 14 ऊपर जाएगा तो 28/5 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल, बस ऊपर नीचे वही परसेंटेज प्लस माइनस करना था, और कुछ भी इसके अंदर खास नहीं था। ये क्वेश्चन तो मुझे समझ ही नहीं आता एग्जामिनर ने क्यों दिया, मतलब इस क्वेश्चन में मतलब कुछ है ही नहीं, ऐसे ही मतलब कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन बनाया गया, एकदम से ही सिंपल सा, कुछ मतलब ही नहीं है इसका। व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। मतलब कुछ तो कैलकुलेशन करवा लेते, मतलब रेक्टेंगल और सर्कल का एरिया बराबर बोल दिया यार, एरिया ही निकलवा रहा है, तो कुछ इसमें मतलब हो सकता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ही है कि एग्जीक्यूशन ऐसे डाल दिया हो। तो सिंपली बात ये कि इस रेक्टेंगल से हमें कोई मतलब नहीं है, फालतू में दिया हुआ है अपने को, तो एक रेडियस है जिसकी मतलब एक सर्कल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7, ये हो गया मल्टीप्लाई, 7 × 2 = 14, 1 हासिल लगे, 7 × 14 154 आ गया आंसर आपका होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर, रेक्टेंगल पता नहीं क्यों दिया गया है, और फिर उसका सर्कल के सीधा ही एरिया के बराबर कर दिया। हालांकि ये बोलता कि इसकी जो रेडियस है, एरिया दे के रेडियस निकलवाता उसका, वो उसके बराबर होता, कुछ ऐसे क्वेश्चन को घुमाता तो बात थी, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट ही एरिया एरिया बराबर कर दिया है। कोई बात नहीं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इतनी लैंग्वेज ही बड़ी दिखती है, बाकी होते बड़े छोटे से क्वेश्चन हैं। इन ए विलेज 3 पीपल कंटेस्टेड फॉर ए पोस्ट ऑफ विलेज प्रधान, विलेज प्रधान के चुनाव हुए, 3 लोगों ने चुनाव लड़ा, ठीक है, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सारे लोगों ने वोट किया। लूजिंग कैंडिडेट गोट 30% वोट, यानी कि जो सबसे कम जिसको लूजिंग कैंडिडेट था उसको तो 30% वोट मिले, यानी 100 वोट टोटल मान लेते हो, 30 वोट मिल गए उसको, ठीक है। व्हाट कुड बी द मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन ऑफ वोट बाय विच द विनर कैंडिडेट लेड बाय द नियरेस्ट रिवाइवल। अब देखो, एक विनर कैंडिडेट था और एक रनर अप था, और ये तो लूज कर ही गया, ठीक है। विनर और रनर अप को मिला के यहाँ पे 70 वोट ही तो मिले, तो पूछा गया है व्हाट कुड बी द मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन ऑफ वोट बाय विच द विनिंग कैंडिडेट लेड बाय द नियरेस्ट रिवाइवल, यानी मिनिमम मार्जिन क्या हो सकता है। तो देखो, एक बात देखो, सबसे पहले तो इनको आधे आधे कर लो, तो मान लीजिए दोनों नहीं जीता, 35-35 हो गए। अब जीतने के लिए इसको कम से कम एक वोट ज़्यादा चाहिए, तो इधर एक वोट ज़्यादा आएगा तो इधर एक वोट कम हो जाएगा, तो दोनों के अंदर मिनिमम डिफरेंस क्या हो सकता है, 2, एक मत कर देना बस। कई बार बोल देते ना एक वोट से जीत गया, क्योंकि ये सम संख्या आ गई ना, विषम संख्या होती तो एक वोट से हो गया, 70 सम संख्या आ गई इसलिए 2 डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ 70 की जगह 71 होता तो आपका 35 और 36 हो जाता, तो डिफरेंस 1 का हो जाता, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, बस इतनी सी एक छोटी सी सोचने वाली यहाँ पे बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है, इसमें बोला गया द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 120%, यानी कि 100 रुपये की मान लीजिए थी, उसको 120 रुपये कर दिया गया। लेटर द प्राइस वर डिक्रीज्ड बाई 25%, 25% यानी इसका 25% 1/4 होता है, यानी 40 रुपये होता है, ठीक है, नहीं 30 रुपये होता है, 4 से डिवाइड करेगा तो 30 30 आएगा ना, तो 30 रुपये होता है, 30 रुपये यानी डिक्रीज कर दिया फिर से, तो 90 हो गया। तो कितना फाइनल चेंज हुआ, तो 100 से कितना हो गया 90 हो गया, तो 10% चेंज हुआ फाइनल, ठीक है। तो ये 10% आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से एक आइडिया मेरे को आपको देना था कि अर्थमेटिक में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं है तो आप किसी भी बुक को कंसिडर करके वहाँ से पढ़ सकते हो, कुछ ज़्यादा ही मैथ्स में प्रॉब्लम है, एक एक टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन कोचिंग में जरूर से आइए। मैं नंबर एक बार दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों को, 8955974739। लो इंटरनेट स्पीड के ऊपर आप वीडियो को डाउनलोड करके भी आराम से कभी भी देख सकते हैं, अपने मोबाइल के अंदर भी, ठीक है, और अपने लैपटॉप कंप्यूटर से कहीं से भी पढ़ सकते हो, बड़े बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, लखनऊ पटना जयपुर जैसे शहरों में
एक महीने की पीजी की फीस से भी हमारी कम फीस है, उसी के अंदर हम आपको पूरा पूरा सिलेबस एक अच्छे लेवल के ऊपर करवा देते हैं। तो पूरा एक पेपर कराने का एक मकसद था कि एक आइडिया आप लोगों को लगे, तो हो उम्मीद है कि वो पूरा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और नीचे जो लाइक का बटन दिया गया है उसको जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके कि आप लोगों को पसंद आ रहे हैं वीडियोज़। और इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में एसबीआई कलर के लिए हम आप लोगों की और कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।